हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहले तीन सेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आज चौथा सेशन है डीएस का। यानी देखिए, मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाने की कि डीएस कॉन्सेप्ट जो मेरे लिए रामबाण साबित हुआ वो आपके लिए भी रामबाण साबित हो। तो देखिए, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, किसी बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो डीएस को काफ़ी जगह लगा लेगा। तो कोशिश कीजिए वीडियो को बार बार पॉज करके देखने की और समझिए चीज़ों को, और आप नोटबुक में भी लिखिए। आज के क्लास में भी हम देखिए 17 मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे एसआई सीआई वगैरह के भी देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए, अंडर रूट सॉल्व करने वाला, तो कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। देखिए, इसका इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लगता है कि जहां तक गिनती सीधी लगी है उतनी बार एक आएगा, एक से लेके दो, यानी दो बार एक, तीन बार एक, चार बार एक, पांच बार एक। तो क्वेश्चन सीधा सीधा अगर मैं डीएस पे ले जाता हूं तो देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है, दोनों पांच बार एक, चार बार एक, नौ बार एक, तीन बार एक, बारह बार एक, दो, चौदह बार एक, चौदह बार एक का मतलब पांच हो गया। तो जिसके अंकों का योग पांच होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं देखता हूं ये छह आ गया, ये तीन आ गया, पांच आ गया, एक आ गया, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए ना ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सीधा सीधा दिमाग में होता है। अगर मैं देखता हूँ दो बार एक, तीन बार एक, चार बार एक, पांच बार एक, तो टोटल कितनी बार एक हो गया, पांच, चार, नौ, तीन, बारह और दो, चौदह, चौदह बार एक, चौदह बार अगर एक मल्टीप्लाई होगा तो चौदह, यानी वन और फोर फाइव हो जाएगा। तो जिसके अंकों का योग पांच हुआ वही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब देखिए, कुछ एक क्वेश्चन आपके एवरेज पे भी थे और कुछ एक क्वेश्चन आपके सीआई पे भी थे। वो दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप लगाइए घर पे, बहुत मजा आएगा। रीता पांच साड़ी, औसतन 2250 रुपये की कीमत से खरीदती है, यदि वह 3 और साड़ी 2750 रुपये की कीमत पे खरीदती है तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य आपको बताना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो रहा आपका, ये रहा आपका एवरेज का क्वेश्चन। चाहता हूं मैं एक स्टेप में करना, तो कैलकुलेशन में दिमाग में सीधा छपनी चाहिए। सबसे पहली चीज, टोटल उसने कितनी साड़ी ली, पांच यहां पर और तीन यहां पर, यानी आठ, तो नीचे आठ आ गया। क्योंकि एवरेज अगर हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, टोटल कॉस्ट
अपॉन नंबर ऑफ साड़ी या नंबर ऑफ क्वांटिटी का नंबर लिखना है आपको। तो ये अगर 8 आ गया, और अगर आप यहाँ निकालते हैं 2250 वाली कितनी 5, इसके अंकों का योग कितना है 9 है, 9 को 5 से गुणा करेंगे 9 आएगा, और इसको ऐड करना है तो 0 लेना पड़ेगा। फिर आपने देखा इसके अंकों का योग कितना है 5 है, 5 से 15 यानी 6 हो गया, क्योंकि 3 साड़ी हैं, नीचे 8 है तो ऊपर 8 से गुणा हो जाएगा, 6 8 48 यानी 3 आ जाएगा। जिसके अंकों का योग 3 है वही ऑप्शन आंसर है, 3 आ गया, 3 5 6 2 8 और 2 10 15 6 हो गया, इसके अंकों का योग 2 हो गया, ये 7 हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। यानी ये आंसर ना तभी निकल सकता है आपका एक स्टेप में, जब ये सारी कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता हो। अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसे, देखिए कैसे करूँगा, या तो मैं इसे एलिगेशन से कर सकता हूँ कि 2250 वाली कितनी साड़ी 5 साड़ी, 2750 वाली कितनी साड़ी 3 साड़ी, और औसत मेरे को निकालना पड़े, ठीक है, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर 2250 वाली कितनी साड़ी 5 साड़ी, 2750 वाली कितनी साड़ी 3 साड़ी, टोटल कितनी साड़ी 8 साड़ी, इसका मैं डीएस निकालूं, और इसका ही मैंने डीएस निकाला है, ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है, ये 9 हो गया तो 0 आ गया, ये आपने देखा 5 हो गया, 5 थी या 15, 15 यानी 6 आ गया, नीचे 8, नीचे अगर 8 है तो ऊपर 8 से गुणा कर देंगे 3 आंसर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, और ये अच्छे क्वेश्चन में से था, यानी देखिए मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि भाई एक ही चैप्टर के आपको 500,000 क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि देखिए वो संभव नहीं है, मेरे पास भी समय बहुत कम रहता है, बहुत मुश्किल समय निकालता हूं मैं, तो मुझे ये लगता है कि केवल वही पार्ट बच्चे को दे दिया जाए जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुका हुआ है, यानी बिल्कुल मुद्दे की बात जो कहते हैं, जैसे डीएस का जो कॉन्सेप्ट है एक मुद्दे की बात वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, अगर आपके दिमाग में पहुंच गया, जैसे कि अब आप समझ गए ये कैलकुलेशन है, इसमें डीएस लगा दिया मैं, तो इस टाइप की एवरेज में जितनी भी कैलकुलेशन होगी आप सब जगह लगा देंगे, इसे कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, तो यानी एक चीज़ से आपकी वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ मैं, ये भी 17 मेंस का ही क्वेश्चन है। पचास बच्चों की एक कक्षा में बाईस लड़कियां हैं जिनका औसतन 35 अंक है, औसतन स्कोर 35 अंक है, तो लड़कों का औसतन स्कोर कितना होगा यदि क्लास, यदि कक्षा का औसतन स्कोर 42 अंक है। देखिए अगेन मैं आता हूं, आप क्वेश्चन कैसे कैसे बना सकते हैं, अगर मैं देखता हूं इसे तो टोटल 50 बच्चे हैं, 22 लड़कियां हैं जिनका औसत कितना है 35 है, लड़कों की संख्या हो गई 28 जिनका औसत आपको नहीं पता और टोटल का औसत आपको पता है 42, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि हमने प्रीवियस भी सेशन में देखा है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम पेपर में सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं तो इसी चीज़ को आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं। देखिए 22 लड़कियां हैं, 28 लड़के हैं, लड़कियों का औसतन स्कोर 35 है, कक्षा का 42 है, ये आपको निकालना है, ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, और डीएस का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं डीएस का इस्तेमाल करता हूँ मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर है 5 नीचे है, और अगर 5 नीचे है तो आपको दिमाग में सीधी पिक्चर ये होनी चाहिए कि 2 ऊपर है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि 5 को मैं इससे गुणा करता हूँ, अगर 50 है और औसत हो गई 42 तो जो टोटल आएगा उसका अंकों का योग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 6 30,
इसके अंकों का योग कितना होगा, 8 चौक 32 यानी 5 हो गया, ये 8 हो गया, 8 चौक 32 यानी 5 हो गया, 28 यानी 1, तो ये आपका बचा। तो इसके अंकों का योग कितना आ गया, 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 यानी 7, तो जिसके अंकों का योग 7 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो बड़ी कैलकुलेशन थी ना, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये फिर भाग करके फिर आंसर निकालो, सबट्रैक्ट करके, तो वो सारा पार्ट आपका बच गया। तो ये सारा पार्ट केवल एक संख्या में कन्वर्ट हो गया और एक संख्या ने आपको आंसर दे दिया। तो देखिए डीएस का मैजिक यही है, डीएस का यही जादू है कि आप एक स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। देखिए करने के तरीके बहुत सारे बताए मैंने आपको, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए, डायरेक्ट ऐसे ही करिए, या आप डीएस लगाइए। तो ये सारे अलग अलग बच्चों द्वारा मेथड यूज़ किए जाते हैं, कोई बच्चा ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई डीएस लगा के डायरेक्ट ही आंसर मार्क कर देता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो भी 17 मेंस का है, पर ये क्वेश्चन जो मैं लूंगा वो सीआई का है, यानी चक्रवर्ती ब्याज का। दस प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज से तीन साल बाद मिलने वाली राशि ये है, तो मूलधन क्या होगा। ये भी 17 मेंस के क्वेश्चन है। देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे थे पहले, दूसरे तीसरे सेशन के अंदर ज्यादातर उसके अंदर 17 मेंस के ही हैं, दूसरे सेशन से शुरू हो गए थे 17 मेंस के क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आया था घूम फिर के यहां पर, ये आपको निकालना है। अब आप अगर देखते हैं, देखिए करने के तरीका जो आप पढ़ते हैं वो काफ़ी सारे हैं। जैसे मैं पहला मेथड डिस्कस करूं, ये प्रिंसिपल है, 110% हो गया, इसकी पावर 3 हो गई, 11,9,790, फिर इसको यहाँ ले गए और प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल ली। दूसरा तरीका 10% वार्षिक ब्याज है तो आप करते हैं कि 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, ये वैल्यू आ गई 1331, ये आ गई 1000, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 119790 और इसकी वैल्यू आप निकाल लेते हैं, ठीक है। पर मैं ये कहूँगा कि दोनों ही मेथड में ना आपको लिखे बिना तो काम चलेगा ही नहीं, लिखे बिना नहीं निकाल सकते आप दोनों के अंदर आंसर। अब तीसरा तरीका अगर हम डीएस के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जैसे कि देखिए डीएस कॉन्सेप्ट अगर हम जाते हैं, भाई एमजी जरूर लिखूंगा देखिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इतना तो हक बनता है मेरा, ठीक है। अगर आप देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट, अगर मैं राइट हैंड साइड के अंकों का योग देखता हूं जो कि 9 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के अंकों का योग देखता हूं, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 8, और 8 अगर ऊपर है 8 नीचे आ जाएगा, और 8 अगर नीचे आ गया तो ऊपर वाले के अंकों का योग 9 ही आएगा क्योंकि 9 का मल्टीपल हो गया। तो आपने देखा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सीधा ही आंसर आ गया। एक बार दोबारा से देखिए प्रिंसिपल की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, इसके अंकों का योग 9 हो गया, इसके अंकों का योग 8 हो गया जो नीचे आ जाएगा, नीचे अगर 8 होता है तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 8 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9×8=72 यानी 9 आ जाएगा, तो यानी जिसके अंकों का योग 9 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको पॉइंट तक लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट तक नहीं लगेगा और ये आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, देखिए यही तो चीज़ है जो सिलेक्शन वाले बच्चों को नॉन सिलेक्शन वाले बच्चों को अलग करती है। आप खुद से सोचिए, तीन मेथड बताए मैंने आपको, एक ये, एक ये, एक ये, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कर तो ऐसे ही रहे हैं पर वो सीधा दिमाग में कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे को एक क्वेश्चन करना हुआ तो मैं पॉइंट भी नहीं लगाऊंगा, सीधा मैंने देखा यहाँ पर कि 10 का मतलब हो गया 110, 110 का मतलब 2, 2 का क्यूब मतलब 8,
9 के नीचे 8 जाएगा तो 8 ऊपर गुणा हो जाएगा यानी 9 आ जाएगा, तो यानी जिसके अंकों का योग 9 होगा वही ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 17 मेंस का ही है और सीआई का ही है। यदि किसी मूलधन पर तीन वर्ष में 12% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि ₹12,000 हो जाती है तो चौथे वर्ष के बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने और देखिए अभी तो सिर्फ डीएस का जलवा चल रहा है, केवल डीएस का। जैसे जैसे आप देखेंगे आगे जाएंगे तो डीएस के अलावा एमजी कॉन्सेप्ट का जलवा भी देखिएगा फिर क्या होता है, ठीक है। पर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। तो बात को समझ के चलिए, केवल समझना है, एक कॉन्सेप्ट बताया है सर ने जिसे हमें ध्यान से नोट करना है और डेली रूटीन में लगाना है, ठीक है। आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ही देखता हूं, देखिए कोई राशि थी पी, वो तीन वर्ष बाद कितनी हो गई, ₹12,000 हो गई। अब चौथे वर्ष में बताना है वो, यानी यहां से यहां कितनी हो जाएगी और 12% इस पे वार्षिक ब्याज मिल रहा है। अगर देखिए मैं इसको निकालता हूं, 12,000 ये है, 112% मैं निकालूंगा क्योंकि एक साल की बात हो रही है और ये मेरा आंसर आ जाएगा। पर घूम फिर के बात यहीं तो आई कि भाई एट लास्ट मुझे कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं सीधा ही अगर देखता हूँ, जब ये सारी चीज़ मुझे दिमाग में ही पता है, 12 का मतलब 3 हो गया, 112 का मतलब 4 हो गया, 3 × 12, 12 का मतलब दोबारा से 3 हो गया, तो जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ 4, 3, 7, 3, 10 और 1, 11 यानी 2, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। बताइए मैंने एक भी चीज काटी हो या मल्टीप्लाई करी हो या डिवाइड करी हो, सीधा ऑप्शन देखना है, सीधा आंसर मार्क करना है। तो देखिए आज के सेशन के अंदर 17 मेंस के हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे, आगे भी आप देखेंगे काफी सारी वीडियोस आएंगी उसके अंदर आप यही चीज जानेंगे। देखिए मैं 1000 वीडियो नहीं बनाता, मैं मुश्किल से गिनी चुनी चीज डालता हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे ना, वो गिनी चुनी चीज ही डाल रखी है मैंने, ठीक है, गिनी चुनी वीडियो डाल रखी है जिसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना वो आपके लिए बहुत काम का है, यानी वो ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जा सकती है। तो देखिए डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। जैसा कि आपने पहले भी इतना प्यार दिया है, ऐसा प्यार हमेशा चाहिए। देखिए देखिए मैं इस चीज़ के लिए ही आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ, बहुत कम समय मिल पाता है, बहुत मुश्किल समय में बहुत छोटा वक्त निकाल के ये वीडियो बनाई जाती है आपके सामने, ठीक है। क्योंकि देखिए और भी बहुत सारे काम रहते हैं, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता इन चीज़ों के लिए। तो आप थोड़ा कोशिश करिए मेरे को मोटिवेट करने की, बेटर रहेगा। देखिए मैं भी बहुत अच्छा मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को। अगर आप देखेंगे डीएस वगैरह कॉन्सेप्ट, एमजी कॉन्सेप्ट और एलिगेशन मिक्सचर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो उसके अंदर आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, वो एक आपके लिए मोटिवेशन ही है कि आप ये चीज़ सीख गए कि भाई 10 सेकंड में आंसर कैसे मार्क करना है, 15 सेकंड में आंसर मार्क कैसे करना है। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। जय हिंद, गुड बाय।